हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लिटरेरी ओशन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिलेबस ऑफ़ बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑफ राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एन यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका जो सिलेबस है बीए का वो चेंज हो चुका है साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है अब आपका एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाइज होगा यानी साल में दो बार होगा आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है ये टोटल हंड्रेड नंबर्स का है जिसमें सेवेंटी फाइव मार्क्स जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम के होंगे और ट्वेंटी फाइव मार्क्स जो होगा वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असाइनमेंट या फिर इंटरनल जो क्लास टेस्ट होगा उस पर बेस्ड होगा बी ए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वन में आपके टोटल एट यूनिट्स हैं एट यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है देखते हैं यूनिट फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इसमें आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो रवीना टैगोर के एस वेंकटा रमणी भवानी भट्टाचार्य आर के नारायण मुल्क आनंद सरोजनी नायडू कमला मारकंदे एंड नैन तारा टेगर ई टी सी टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इतना पढ़ना है यूनिट सेकेंड में आपको पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ शार्ट स्टोरी इसमें आपको प्लॉट करैक्टराइजेशन नेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है इसी में आपको टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल भी पढ़ना है जिसमें आपको ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी मेमोर ट्रैवलॉग फॉर्मल से पर्सनल से पढ़ना है यूनिट थर्ड इसमें आपको प्रोज डिवाइसेस पढ़ना है जिसमें आपको थीम पॉइंट ऑफ व्यू सेंटेंस पैटर्न इमेजरी टोन और मोड एनालॉजी एनेकडोट एंटीथेसिस एफरिज्म डिक्शन इन्वर्जन ह्यूमर एंड पैथॉस पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट फोर्थ शॉर्ट स्टोरी इसमें आपको ओ हेनरी का द लास्ट लीप पढ़ना है एंटन चिकोवा का द लैमेंट पढ़ना है गाई डी माओ पैशन का आपको द टेर पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट फिफ्थ शॉर्ट स्टोरीज इसमें एम आर आनंद का द बार्बर स्टेट यूनियन आर के नारायण अंडर द बन इंट्री अनिता देसाई गेम्स टू लाइट पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट सिक्स इज़ प्रोज फॉर डिटेल स्टडी प्रोज को आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे इसमें आपको फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ पढ़ना है चार्ल्स लैम ड्रीम चिल्ड्रेन जोसेफ एडसन सर रोजर एट द चर्च पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट सेवन प्रोज फॉर डिटेल स्टडी इसको भी डिटेल में पढ़ना है आपको वर्जीना उल्फ प्रोफेसन फॉर वीमन ए पी जे कलाम पेट्रियाटिज़म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फ्राम अवर इगनाइटेड माइंडस अमृत से इन टैगोर एंड हिज इंडिया फ्राम द आर्गमेंटिव इंडियन इतना पढ़ना है आपको नेक्स्ट यूनिट एट इसमें आपको कंप्यूटर एंड रॉटिंग स्किल इन इंग्लिश पढ़ना है जिसमें आपको पावर पॉइंट प्रजेंटेशन लेटर राइटिंग फार्मल इनफार्मल लेटर्स ऑफ इंक्वायरी कम्प्लेंट्स ग्रीवेंस रीड्रेसल लेटर्स एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आर पढ़ना है नेक्स्ट इसी में आपको प्रिपेयरिंग रिज्यूम्स सी वी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रेजिग्नेशन जॉब इसी में आपको ऑनलाइन राइटिंग भी पढ़नी है जिसमें आपको ब्लॉगिंग कंटेंट राइटिंग इफेक्टिव ई मेल राइटिंग पढ़ना है सो so, ये था आपका सेमेस्टर फर्स्ट का सलेबस आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या पढ़ना है इस पर वीडियोज़ भी आने वाली हैं तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन नहीं दबाया है दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और हाँ अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें थैंक यू